नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीएन क्लास में। आज मैं लेके आया हूँ नोबेल प्राइज़ 2019 की जो विजेता के लिस्ट है, और आशा करता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि तुरंत आप 1 मिनट के अंदर में ही पूरे के पूरे जो विजेता है उनका नाम कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ आज का पहला, तो फिजिक्स में इस बार का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है और किसके लिए मिला है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 लोगों को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। देखते हैं, जेम्स पेबल को, माइकल मेयर्स को, डीडीआर क्विलोज को। ठीक है, ये 3 विजेता है जो कि फिजिक्स में इस बार मिला है। इनको मिला है, ये जो है फिजिकल कॉस्मोलॉजी के लिए मिला है जेम्स पेबल को, और ये इनको मिला है जो एक्जोप्लेनेट को खोज करने के लिए, एक्जोप्लेनेट ऑर्बिटरिंग सोलर टाइप। एक्जोप्लेनेट क्या होता है कि जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जो प्लेनेट होते हैं उसको हम एक्जोप्लेनेट बोलते हैं। तो ये तीनों को मिला है नोबेल प्राइज़। तो दोस्तों, इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक्स आप याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तुरंत 1 मिनट में आप याद हो जाएगा। अब क्या याद करोगे, दीदी मैं जेम्स खाऊं, तो दीदी से क्या हो गया, डीडियर। ओके, डीडियर से दीदी मैं जेम्स, ओके जेम्स खाऊं। तो आपको इसको कैसे ट्रिक्स करोगे, दीदी मैं जेम्स खाऊं। तो ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दीदी मैं जेम्स खाऊं से हमारा याद हो जाएगा, फिजिक्स का पूरा याद हो जाएगा। फिर दूसरा लेके चलता हूँ तुरंत केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के लिए है डिस्कवरी ऑफ सेल सेंस एंड एड अप द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ओके, डिस्कवरी ऑफ, सॉरी, ये मेडिसिन में था, सॉरी, मेडिसिन के लिए था। सेल कैसे सेंस करता है किसको, ऑक्सीजन को कैसे सेंस करता है, उसके लिए 3 लोगों को मिला है नोबेल प्राइज़। विलियम जी केलिन जूनियर एंड सीनियर पीटर जे रेडक्लिफ एंड ग्रेग एल सेमेंजा। तो दोस्तों, ये नाम देखने में बहुत टफ लग रहा है, हम कैसे याद करें, ये जो हमारे 3 नाम है इट इज़ वेरी टफ, इसको याद करने के लिए बहुत टफ है। लेकिन हम एक ट्रिक यूज करेंगे इसमें भी, कैसे यूज करेंगे, आपने रेडक्लिफ का लाइन सुना होगा जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहाँ पे पंजाब के पास में जो बॉर्डर है, इंडिया के पंजाब और पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर है उसको हम रेड क्लिफ बोलते हैं। तो हम इसको कैसे ट्रिक्स करेंगे, जूनियर सीनियर रेड क्लिफ ले जा, क्या करेंगे हम इसको, जूनियर, जूनियर से आ गया ये, इस विलियम जे कैलिन्स का जूनियर हमने ले लिया, जूनियर सीनियर एस आर से हमने सीनियर प्रोनाउंस किया, जूनियर सीनियर रेड क्लिफ ले जा। ओके भाई, तुम रेड क्लिफ ले जा, ठीक है ना, एल से ले जा और यहाँ पे जा है। तो आपको क्या ट्रिक याद करेंगे, जूनियर सीनियर रेड क्लिफ ले जा, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मेडिसिन को आप याद कर लेंगे। फिर दूसरा लेके चलता हूँ केमिस्ट्री में। ओके, केमिस्ट्री में क्या है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज को डेवलपमेंट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। अब इसको ट्रिक्स क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, मैंने सिंपल सा ट्रिक्स बनाने की कोशिश किया है। गुड मॉर्निंग स्टेनली एंड अकीरा। ओके, गुड मॉर्निंग स्टेनली, गुड मॉर्निंग हो गया स्टेनली एंड अकीरा। तो आप क्या करोगे, केमिस्ट्री को याद करने के लिए गुड मॉर्निंग स्टेनली एंड अकीरा बोलेंगे, तो तब आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक, पूरा का पूरा आप याद कर लोगे उसमें से। फिर दूसरा, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला है जो कि एक ही नाम है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, पेटर हैंडके। ओके, पेटर हैंडके को मिला है फॉर लिंग्विस्टिक इंजीनिटी, इसके लिए उनको मिला है नोबेल प्राइज, इसको याद रखोगे आप। ठीक है, फिर दूसरा है पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला है, ये भी बहुत इजी ट्रिक्स है, इनको मिला है A3। आप क्या याद करोगे इसको, A3 अभी अहमद अली। ओके, A3 दैट मीन्स पीस, जब भी बोलेगा दिमाग में याद रखेंगे A3 को पीस मिला है, दैट मीन्स उनका नाम तीनों का तीनों क्या से है, A3 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, A3 के पीस के लिए। और दूसरा ट्रिक्स पे लेके चलता हूँ, लास्ट वाला है इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स में तो याद करने के बहुत इजी तरीका है, क्योंकि ये जो है अभिजीत बनर्जी है इंडिया से इस बार, और आपको याद करा दूँ 1998 में अमर्त्य सेन जो थे उनको भी 1998 में, ठीक है, 98 में उनको मिला था नोबेल प्राइज़, मिला था अमर्त्य सेन को। फिर अभी हमको मिला है नोबेल प्राइज़ किसमें, इकोनॉमिक्स में, तो अभिजीत बनर्जी, इस्टर डफलो, माइकल क्रेमर्स, तो इनको मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, फॉर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेशन ग्लोबल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को हटाने के लिए जो उनका अप्रोच था उसके लिए उनका क्या नोबेल प्राइज मिला है। तो इसको ट्रिक क्या याद करोगे, एकदम इजी से आप करोगे, ये तो अभिजीत तो याद होना ही है, इंडिया के हैं, तो अभिजीत फ्लो में करें, तो क्या करें अभिजीत, आप जो काम भी करेंगे फ्लो में करें। अभिजीत यहाँ से क्या है, फ्लो, माइकल से हमने मे ले लिया और यहाँ से करें, ठीक है, अभिजीत फ्लो में करें। तो आपको ये ट्रिक्स यूज करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ट्रिक्स अच्छा लगा होगा, और देखते रहिए, तुरंत 1 मिनट में आप रिपीट करिए कि ट्रिक्स को रिपीट करके आप उसको याद करने की कोशिश करें। तो आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही, थैंक यू।